जैसे जैसे नगर निकायों के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही राजनीति का दौर भी शुरू हो गया है। सिरोही के माउंट आबू में लेटर ने राजनीति गर्मी दी है। लेटर में कहा गया कि माउंट आबू नगर पालिका के अध्यक्ष पद को सामान्य किया है। तमाम लोग इस विषय को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके तहत माउंट आबू के अम्बेडकर चौराहे पर SC ST समाज के लोग एकत्रित हो गए। इसका विरोध करते हुए माउंट आबू उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। पद को आरक्षित रखने की मांग की गई। इस मौके पर लोगों से बातचीत कर राय जानी हमारे संवाददाता कमलेश प्रजापत ने। देखिए, आने वाले कुछ महीनों बाद नगरपालिका चुनाव है और इस चुनावों को लेकर शहर की राजनीति आज पूर्ण रूप से गर्म नजर आ रही है। चूंकि एक लेटर पैड पर सामान्य सीट करने की बात कही थी, उसके बाद व्हाट्सएप पर एक ग्रुप का दौर चला और उसके बाद एक यहाँ पर ज्ञापन देने का कार्यक्रम। मेरे साथ ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं, इस विषय में बात करेंगे। सिंगर साहब क्या कहते हैं, क्योंकि माउंट आबू जो नगर पालिका का अध्यक्ष का पद है वो आरक्षित है और सामान्य वर्ग की बात की जाए, क्या कहेंगे? देखिए, माउंट आबू का जो जिस तरह से जो परंपरा चली आ रही, चल रहा था, ऐसी आवश्यकता क्यों आन पड़ी कि कुछ लोगों द्वारा अपने ईश्वर पर जाकर और संगठन को ज्ञापन दे रहे? जब चल रहा था, जो परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा चलती, जो संविधान करता वो संविधान के हिसाब से चलता, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? शहर को दो भागों में बांटने की आवश्यकता क्यों पड़ी? सभी समाज के लोग, हर समाज को, हर राजनीतिक दलों को अपना अपने मानसिकता के हिसाब से मतदान का उपयोग करते हैं सभी लोग, ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? दलित वर्ग को बिल्कुल यूं ऐसी और ऐसी की ये बातों को लेकर वहां तक पहुंचाने की क्या आवश्यकता थी? क्या शहर में एक बार, एक शांति प्रिय शहर है, यहाँ पर सभी समाज के लोगों को बिठाकर निर्णय लिया जाता या संगठन की बैठक में निर्णय लिया जाता और गांव के लोगों के साथ में बैठकर विचार विमर्श करके प्रस्ताव पारित करके यदि बात की जाती तो एक अच्छा माहौल जाता। लेकिन एक ऐसा, कुछ लोगों ने इस तरह के इस माहौल को खराब करने का प्रयास किया। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि ये करने से कम एससी और एसटी वर्ग जागा और उनकी एकता बढ़ी है और संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन ऐसे में देखा जा सकता है कि जहां माउंट आबू नगर पालिका के अध्यक्ष का पद आरक्षित है, ऐसे में एक लेटर पेड ने पूरे शहर की राजनीति को गर्म किया। लेकिन बात करें आंकड़ों की तो जनसंख्या के आधार पर या TSP के आधार पर इस शहर की जो राजनीति है और जो अध्यक्ष का पद है वो तय होगा। सहयोगी छगन राणा के साथ कमलेश प्रजापत, फर्स्ट इंडिया न्यूज, माउंट आबू, सिरोही।